money back! मतलब पाशा साहब के मेहमान आने वाले? आने वाले नहीं है भतीजी, आ चुके। पाशा साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया और आप लोगों में से किसी ने उन्हें मना भी नहीं किया। ठीक है, अब मैं खुद जाकर मना करूं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्लीज बैठ के बात करें। तू बैठ के बात करूं? हाँ, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कुछ खौफे खुदा है? उमीद, उमीद उठो। अबू जान सोने दे। ये मुझे तुम्हारे कमरे में कौन लेकर आया? अबू जान, ना ये मेरा कमरा है ना आपका। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे रात में डर लग रहा था तो मैं आपके पास आके सो गई। अच्छा, जाने दो बस। वैसे तो अबू जान का किसी को ख्याल ही नहीं आता। जाओ यहाँ से, मैंने नहीं बात करनी तुमसे। आप नाराज हैं? हो भी तो, किसी को क्या। मैं हूँ ना आपकी करोड़पति पोती। बताएं, आपको क्या चाहिए? रहने दो बस, तुमसे सिर्फ कोई बातें बनवा ले। बातों की माहिर और कामों की काहिल हो तुम। आबू जान, तो पहले ही मेरा नन्ना मुन्ना से दिल परेशान है, ऊपर से आपकी बातों की वजह से मेरा हार्ट फेल हो गया ना। फिर मुझे मत कहिएगा। चाय? चाय? ये सुबह सुबह चाय की भीनी भीनी खुशबू से ही तो जिंदगी में बहार है, वरना पाशा साहब की डांट के बाद सब भाड़ है, उजाड़ है, जिंदगी बेजार है। मगर आगुजान, आप नाराज क्यों हैं? अरे अब रहने दो, मुझे तो याद भी नहीं, रात गई बात गई। मैं किस बात पे नाराज थी कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बात बहुत बड़ी थी। जब तक आप याद करेंगी तब तक जाकर हम नाश्ता कर लेते हैं ना। उम्मीद बाजी, बेगम साहिबा कह रही थी आपसे पैसे ले लूं, कुछ सामान लाना था। कौन सी ने? चाची जी। जो मैं इस आइटेबल से निकाल लूं। अरे गिन के दिया करो ना। आगू जान, आपकी करोड़पति पोती ये 5,000 रुपए गिनते हुए अच्छी लगेगी क्या? अच्छा छोड़े ना इन बातों को, चले चलकर नाश्ता करते, मुझे भूख लग गई। अरे ये भी कोई नाश्ता है करने वाला? नहीं खाना मुझे ये सब कुछ, मुझे निहारी और पराठा खाना है। आपको डॉक्टर ने ऑयली खाना खाने से मना किया है? अरे दफा करो ये मुए डॉक्टरों को, हमें मना कर देते और खुद वही चीजें मजे ले लेकर खा रहे होते। मैं तो कहती हूँ खुशी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। अरे पहनने से याद आया, मुझे पहनना ही तो था गरारा। कैसा गरारा? अरे बहुत अच्छा सा गरारा, मैं हया की शादी में भला क्या पहनूंगी अब। आपको कैसा गरारा चाहिए? ठीक वैसा जैसा मेरी शादी में जामा कलौत से आया था। फिर चले फिर। समीर, आगो जान को बुला लो, कमरे में होंगी, मैं लड़कियों को बुला लूं जरा। अच्छा जी चाची जान। उम्मीद, हया, नाश्ता ठंडा हो रहा बेटा, आ जाओ। अम्मी, उम्मीद घर पर नहीं है, उसकी गाड़ी भी घर पर नहीं है। अगर इस दफा पाश साहब ने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं अपने 1 करोड़ लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझे ऐसी बात करना था, रोज से मुझे वहम हो रहा था। क्या हो गया जीनत? अरे होना क्या है, आपकी प्यारी भतीजी एक बार फिर घर छोड़कर चली गई है। यार हर वक्त का ये मजाक अच्छा नहीं होता वैसे। लो, करे कोई भरे कोई, अरे मेरी सांस बंद हो रही है लाल पाशा। मम्मी ठीक कह रही है, नहीं है उम्मीद घर पे। और उसके साथ कल हुई भी तो इतनी बुरी है, मतलब पाशा साहब ने सीधा ही साइकियाट्रिस्ट बुला लिया, इतनी सी शक्ल हो गई थी बेचारी की। चची आगो जान अपने कमरे में नहीं है,
बल्कि पूरे घर में नहीं है। क्या? लो। भले तुम अकेले कैसे रहोगी? किसने कहा आपको कि मैं अकेले रहूंगी? आगू जान के साथ रहूंगी, उनको भी लेके जाऊंगी और फिर कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। जो वो कहती है ना वो करके दिखाती है। अरे यार आगू जान की तबीयत खराब हो गई होगी, वो जरूर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई होगी। इनकी तबीयत तो ठीक थी, दोनों ने साथ ही नाश्ता किया था। लो, आगू जान को ले गई साथ, आगू जान को ले गई वो भी हमेशा के लिए। जब इतनी बड़ी रकम आ जाती है ना किसी के हाथ में तो फिर मनमानी ही करते। चाची का ख्याल नहीं आया उसे। आगू जान तो क्या तुमने भी जाना था साथ? नहीं, मैं इतना अच्छा घर छोड़कर क्यों जाऊंगी। मुझे तो टेंशन हो रही, अगर ये बात पाशा साहब को पता चली ना तो बहुत बुरा होगा। मुझे बस आगू जान की फिक्र है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो संभाले आ जाएगी उम्मीद। हेलो, ठीक है, ओके ओके ओके, मिल गई। वलीद की अम्मी की कॉल थी, वो लोग घर आ रहे हैं। या अल्लाह, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी जब दुल्हन ही घर पे नहीं है। दुल्हन? दुल्हन तो मौजूद है, बस उम्मीद नहीं है। हाँ, दुल्हन की बहन जिनत। वैसे कभी कभी मुझे तुम्हारी भी समझ नहीं आती। क्या करें ना यार इनका? नहीं समझ नहीं आती। क्या करें ना? आगू जान, चल चल कर मेरे पाँव में आंवले पड़ गए और आपको अभी तक आपका जोड़ा नहीं मिला है। अरे भाई तुमने ठीक से ढूंढा ही नहीं। आगू जान हम लोग 40 दुकानों पर जा चुके हैं, अभी भी आप कह रही हैं कि मैंने ढूंढा नहीं है। मैं तो कहती हूँ किसी मॉल चलते हैं, बल्कि एक दो दिन के लिए दुबई चलते हैं। अरे दुबई से नहीं, मैंने इसी मार्केट में वो दुकान थी जहाँ से अपनी शादी का गरारा खरीदा था, मुझे अच्छी तरह याद है। आगू जान इस बात को जमाने हो गए, अब तो वो दुकान वाला कहीं मर खप गया होगा। तुम्हारे कहने का मकसद यह है कि मैं भी मर जाऊं? नहीं आगू जान, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं अब करोड़पति हूँ, मैं क्यों यहाँ पर ख्वार हो रही हूँ आपको लेकर, जब मैं एक महंगा ड्रेस अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ मैं आपको एक महंगा सा गरारा बनवा दूंगी, आप बस अभी चले यहाँ से। मगर वो वैसा तो नहीं होगा ना। आगू जान आप खुद तो कहती है पहनो मन भाता खाओ जग भाता, तो पहन लिएगा ना कोई मन भाता टाइप। हाँ हाँ, सारी उम्र गुजर गई मेरी दूसरों को खुश करने में, और अब मैं अपने मन को भी मारूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अब मैं आ गई हूँ तो गरारा लेकर ही जाऊंगी। आगू जान अब आप इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। जब ना कुछ दिलाना हो ना तो हजारों बहाने बन जाते हैं। मैं वाकई थक गई हूँ, मेरी टांगे जवाब दे गई, बल्कि अब तो मेरी कांपे टांग रही हैं। अरे गुड़िया, हम अपने वक्तों में मीलों चला करते थे, तुम्हारी तरह काहिल नहीं थे। आगू जान आ जाए, बैठ जाए, ठंडा पियेंगी। तुम चुपचाप खड़े रहो वहाँ पर, मुझे कुछ नहीं पीना, मैं गरारा लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम पहले होटल पे जाके चाय पीते हैं, उसके बाद आप जहाँ कहेंगी ना मैं आपको ले चलूँगी, ठीक है? मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी, मुझे बस मेरा गरारा दिलाओ। मगर मुझे तो पीनी है ना, मेरा सर दर्द कर रहा है और अब इस सर दर्द की दवा एक प्याली चाय के अलावा कुछ नहीं है। मगर मेरा गरारा? उसके लिए सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए मुझे चाय चाहिए। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठे, मैं बस यूं गई यूं आई। राजू तुम इनको गाड़ी में बैठाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? आगू जान बैठे यार प्लीज। इंसान ने कुछ ना दिलाना हो तो 100 बहाने बनते हैं, मुझे नहीं बैठना, तुम चुपचाप खड़े रहो, मैं आज अपना गरारा लेकर ही यहाँ से जाऊंगी बस। अरे आए ना आगू जान, इतनी गर्मी है, कुछ ठंडा लाता हूँ आपके लिए, आइए। मुझे कुछ नहीं पीना, तुम चुपचाप खड़े रहो। कॉल लग रही है? बेल जा रही, उठा नहीं रही। आगू जान कहाँ है? आगू जान आप अपने कमरे में होंगी। कमरे में तो नहीं है वो, यही है। यही? यानी मेरी आगू जान का जुस्सा इतना सा है जो मुझे नजर नहीं आएंगी? नहीं नहीं, यही बैठी नहीं थी वो, उम्मीद के साथ गई है। कहाँ? जाहिर है उम्मीद के कमरे में।
ओह चलो मैं वहीं मिल लेता हूँ। अल्लाह क्या हो गया, डरा क्यों रहे हो? आप कमरे में नहीं जा सकते। क्यों? वो उम्मीद भी अंदर है ना, कल रात की बात से डरी हुई है, और अगर आप जाएंगे तो फिर मनाना भी पड़ेगा आपको। हरगिज नहीं, मैं बाद में मिल लूंगा। शुक्र है पाशा साहब को पता नहीं चला। हाँ, तो उल्टा उन्हें कमरे में भेज रहे थे। अगर इस दफा पाशा साहब को पता चल जाता ना, तो उम्मीद दोबारा घर में कदम नहीं रख सकती थी। क्या मतलब? मुझे तो कमाल लगा, आपने कैसे बात कमाई है। भतीजे तजर्बा भी तो कोई चीज है ना। फिर मुझे तो बस आगू जान और उम्मीद की फिक्र हो रही है। फिक्र होनी भी चाहिए। आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? जाकर पता करें ना, इस बार आगू जान को भी साथ ले गई है। अरे भाई मैं कहाँ से पता करूँ, मुझे बता कर गई है। ये कर तो रही है कॉल, पता करो ना। नहीं उठा रही। रोड घर में आते फिर चले जाते और किसी को कोई परवाह ही नहीं। सही कहते, खुदा ना शुक्र खोरे को ही शुक्र देता है बस। सही होगा। पता नहीं क्या होगा, करो ना फोन, मिला क्यों नहीं रही। वैसे आज बॉस का मूड बहुत अच्छा है। हाँ मगर तुम फिर से किसी कुछ फहमी में मुबला मत हो जाना। मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा, एक बार भटक चुकी हूँ, अब मेरी तौबा है। गलती से भी ऐसा फंसा हुआ और अपने दिल में लाऊं, इससे भी वो अलग बात है। बॉस की मुस्कुराहट पे कभी कभी मेरा दिल आ जाता है। भाई संभालो अपने दिल को, मुश्किल है टाइम कंट्रोल। एक्सक्यूज मी मिस। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी मैं सर को इन्फॉर्म कर दूं? नहीं मैं उनको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, इनफैक्ट वो मेरा ही वेट कर रहे हैं। हेलो रीना। हेलो पुजार। तुम्हारे ही वेट कर रहा था। क्या बात है, आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। हाँ कुछ काम है तुमसे, रूटीन से जरा हटकर। सीरियसली मुझे आइडिया नहीं था तुम्हारे पास दिल भी है जो रूटीन से हटकर कुछ बात करना चाहते हो। चले चले आफ्टर यू। तो ये है मूड जाने की वजह। अरे नहीं यार, ये तो सर की कजन रीना है और सर इसे नापसंद करते हैं। नापसंद करते हैं बॉस को, देखा कितना नापसंद करते हैं। तुम जेलिस हो? नहीं मैं सोच रही हूँ कितनी लकी है वो। आई विश मैं भी होती। वाह लची, ये कहाँ से टपक पड़ा? क्या सोचेगा कि करोड़पति होने के बाद मैं ढाबे पे बैठकर चाय पी रही हूँ? अरे उम्मीद सहवा, आप और यहाँ। वल्ला आप भी यहाँ, कैसा भोंडा इत्तेफाक है। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका उम्मीद जी। और देखिए आपने पहले से मेरे लिए चाय का कप मंगा के रखा, क्या बात है आपकी। यूं ही तो नहीं कहते, मोहब्बत में इल्हाम होते। खबरदार जो आपने मेरी चाय पर नजर डाली, नो शेयरिंग इन चाय। वेटर बिल ले आओ। अरे रहने दीजिए, हम अदा कर देंगे आपका बिल। शायद आप भूल रहे हैं कि उम्मीद के पास अब पैसों की कमी नहीं है, और वैसे भी आजकल बिल से ज्यादा तो मैं टिप दे देती हूँ। जी हाँ मैं जानता हूँ, आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं? अपने जितने सारे पैसे हैं उनको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। आपकी सोच से ना कहीं ज्यादा उम्मीद की प्लानिंग फास्ट है, और बहुत जल्दी ना आप किसी 5-star से ग्रैंड होटल में बैठे चाय पी रहे होंगे, और उस कैफे का नाम होगा पाशास कैफे, यू नो उम्मीद का कैफे। ग्रेट आइडिया, हम ऐसा करते हैं कि हम मिलकर एक जबरदस्त ब्रांडेड चाय का कैफे खोल दें, दूर दूर से लोग आकर हमारी चाय पिया करेंगे, क्या ख्याल है? एक्सक्यूज मी, हम? हाँ हम लाइफ पार्टनर्स नहीं बन सके तो क्या बिजनेस पार्टनर तो बन सकते हैं। धोखा तो नहीं दोगे आपको? मैं ऐसा लगता हूँ? लगते तो आप ऐसे वैसे ही हैं, लेकिन अगर धोखा दिया ना तो जान ले लूंगी मैं। अरे हम तो जान और दिल देने वालों में से हैं, लेकिन आप कर दी ना आपने शुरू फिर से वही वाली बातें, कर लिया इस तरह से हमने बिजनेस। अच्छा अच्छा सॉरी, माइंड ना कीजिएगा। बेटा
किसमें से चाय के पैसे काट के बाकी के पैसे तुम अपनी टिप रख लेना। और हाँ, अगर तुम्हें इस होटल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अगले महीने से मेरे कैफे में आ सकते हो। यू नो, बहुत वीआईपी कैफे है मेरा, मजे करोगे वहाँ। और मैं ये चाय पी लेता हूँ। थैंक यू। हमारी ब्रांडेड चाय ज्यादा अच्छी होगी। एंथनी, तुम तो नहीं पियोगे। हाय हाय, खुदा तुम्हें पूछेगा उम्मीद। जाकर बड़े घर में ऐश करी और हमें यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया। मानती हूँ यहाँ पे किसी से नहीं बनती थी। मैंने तो हमेशा हर चीज में उसका साथ दिया था। सगी चच्ची को भी भूल गई। अब तुम क्यों चुप करके बैठी हुई हो? देखा है तुम्हारी चहिती ने क्या किया है? अम्मी, आप सब बिला वजह परेशान हो रहे हैं। अभी आ जाएगी उम्मीद, देखेगा। चुप, फजूल इसकी हिमायत नहीं किया करो हर वक्त। और अगर आ भी गई ना तो कोई जरूरत नहीं उसे बात करने की। जो गुड्डी बता रही थी कि रात को भी ना आगू जान के कमरे में सोई थी वो। सारी रात पता नहीं दादी पोती क्या प्लानिंग करते रहे होंगे। अम्मी, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? तुम सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी करती करती कभी मेरे पीछे नहीं आए। तुमने तो सेलिब्रिटी को घास तक नहीं डाली। क्या बात है आपकी। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। वो सब तो ठीक है, मगर ये सब कुछ कहने की कोई खास वजह? अब हम बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने अभी तक ना आपकी ऑफर कबूल नहीं किया। पहले मैं अपनी आगू जान से मशवरा करूं। हां श्योर, क्यों नहीं। उम्मीद जी, उम्मीद जी, और तू तो हट। उम्मीद जी, वो क्या हुआ है? आगू जान। हां पता है, आगू जान गुस्सा कर रही है। उनको कहो कि मैं चाय पी के आ रही। नहीं, वो आगू जान नहीं है। हैं, आगू जान नहीं है मतलब? पता नहीं कहां चली गई। क्या क्या मतलब है कि वो पता नहीं कहां चली गई है? चलो, कहां है? अरे रुको, उम्मीद, उम्मीद, एंथनी, फॉलो मी। जीना बहन, जब से मैंने ये बात सुनी है मेरे तो हलक से पानी ही नहीं उतर रहा। बैठे बिठाए हमारे तो 2 करोड़ का नुकसान हो गया। वही तो, अब मुझे ही देख लें। इतना सुकून है ना मेरी जिंदगी में। 24 घंटे गुड्डी मेरी खिदमत करती है। लेकिन आप लोगों के साथ धोखा हुआ, वाकई अफसोस है मुझे। बस क्या करें, अगर आप उस दिन धोखे से लड़की ना बदलते ना। चलें छोड़ें इस बात को, आप बस हमें हमारा हिस्सा दे दें। अरे हिस्सा क्यों, आप पूरे नहीं नहीं नहीं, हमें पूरे 2 करोड़ नहीं चाहिए। आपके भी तो 100 खर्चे होंगे ना, हमें तो बस 20 लाख रुपए ही काफी है। सिर्फ 20 लाख? हाँ। ये तो आप लोगों की शराफत है कि आप लोग हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं। वरना मैं तो कह रही थी आप चाहें तो वलीद और उम्मीद की अभी भी शादी हो सकती है। मतलब भाई दोनों लड़कियां हमारी ही है ना, आखिर कहीं ना कहीं तो रिश्ता करवाना ही है उनका। आंटी क्या आप सच कह रही हैं, ये मुमकिन है अभी भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस वो पाशा साहब से बात कर लें। मैं तो कहती हूँ आज ही कर लें, थोड़ी देर में आने वाले होंगे। हैं गुड्डी, गुड्डी इधर आ। वो समीर से कहो कि बाजार जाके ना उनके लिए कुछ खाने को ले आए। समीर भैया तो घर पे नहीं है, वो तो पाशा साहब के साथ गए उम्मीद बाजी को ढूंढने। लो जी, उम्मीद 4थी दफा फिर घर से भाग गई। नहीं नहीं, भागी नहीं है वो, तो बस थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से भागी है। हाँ। रहने दें, मैंने भी 10 दफा उसका प्रोग्राम देखा है टीवी पर। लेकिन अब क्यों भागी है? कल पाशा साहब ने उम्मीद बाजी के लिए वो क्या कहते हैं, वो पागलों का डॉक्टर नहीं, नफ्सियाती डॉक्टर, उसको बुलाया था उम्मीद बाजी के इलाज के लिए।
चुप, फजूल बात बिल्कुल ही। चुप जाओ यहां से। वलीद बेटा उठो। अम्मी वो बात तो कर लेना, पाशा साहब आने वाले हैं। हाँ हाँ पाशा साहब आने वाले हैं। वलीद उठो, इससे पहले मैं तुम्हारे यहाँ हशर कर दूँ, ठीक है? उठो, हम चलते हैं। वो उम्मीद नहीं नहीं, हमारे लिए हया ही ठीक है, बस वो घर जाके शादी की भी तैयारियाँ करनी है ना, तो ठीक है बस हम चलते हैं। उठो, फंक्शन के दिन मिलेंगे, खुदा हाफिज़। अभी तुमने कहा था ना कि आगू जान का ख्याल रखना। अरे मुझे तो खुद नहीं पता चला कि वो कब और कैसे चली गई। तुम यहाँ खड़े क्यों हो, जाकर ढूंढो उनको। हाँ ढूंढू, हर जगह देख लिया नहीं मिल रही वो। जाकर ढूंढो उनको, एक ही आगू जान थी मेरी, वो भी तुमने घुमा दिए। बाजी वैसा भी ना कहे, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। वो तो पता नहीं आपने उनको ऐसा क्या बोला कि वो नाराज होकर चली गई। तुम जा रहे हो ढूंढने या मैं पुलिस को बुलाऊं? हाँ हाँ जा रहा हूँ, मगर वो गई है तो आप ही की वजह से। हाँ अल्लाह जी, चाय पीना इतना महंगा पड़ गया है। उम्मीद जी आप ना परेशान हो, आगू जी मिल जाएंगी। आप तो चुप ही करें, सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। उम्मीद जी मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी मुझे बातों में लगाने की? अच्छा आप ऐसा करें, आप उनको कॉल कर लेना। घर पे भूल गई हूँ। एंथनी मेरा फोन दो, ये लीजिए आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कीजिए। असदुल्ला वो मेरी आगू जान है, उनके पास फोन नहीं है, और अगर होता भी ना तो उनको इस्तेमाल करना नहीं आता। आधे से ज्यादा बातें तो वैसे ही भूल जाती हैं, पता नहीं वो कहाँ होंगी। पाशा साहब तो आज मेरा कत्ल ही कर देंगे। अल्लाह जी प्लीज मेरी आगू जान को बचा ले, और मेरी इज्जत भी। अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम उनको वहां ढूंढते। आ जाओ। फरजाद एक बात कहूं? कहो। तुम आज कुछ बदले बदले से लग रहे हो। हाँ शायद सांटान हो गया, कल कंपनी की क्रिकेट टीम का मैच था। कम ऑन, मैं तुम्हारे मिजाज की बात कर रही हूँ। मैं बदलने वालों से नहीं लेगा। तुम मानो या ना मानो, आज तुम्हारा मूड बड़ा मुख्तलिफ है। तुमने अचानक से लंच का प्लान बना लिया और सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। वैसे लंच बहुत अच्छा था। अगर थैंक यू कहना चाह रही हो तो कह सकती हो। हाँ थैंक यू कहूंगी, अगर तुम इस तरह के प्लान्स बनाने का प्रॉमिस करोगे तो। अगर तुमसे काम पड़ता रहा तो जरूर। कैसा काम? अभी फिलहाल तो तुम मुझे वहां लेकर जा रही हो जहां से तुमने वो पेंटिंग खरीदी थी। कौन सी पेंटिंग? अरे वही जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा वो, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें ला दूंगी। नहीं नहीं मैं खुद उन आर्टिस्ट से मिलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से लेफ्ट है राइट? I think आगे से left. Left? नहीं नहीं right side. Left होने right होने इंतजार कर। आगू जान! रुको, किधर चली गई आगू जान? हम मॉर्निंग चले जा रहे हैं मुझसे। हाँ? एक काम करो, पानी दो। ये ले, आप पानी पिए। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि अब आप अपने घर वापस चली जाएं। इस मुंह से जाऊंगी घर? तो मसला क्या है, इतनी प्यारी खूबसूरत तो हैं आप, किसी ने आपको क्या कहना? एक तो मेरी आगू जान खो गई है, ऊपर से तुम फ्री हो रहे हो मुझसे। अरे यार एक बार अगर तुम्हारी आगू जान मिल जाएंगी तो फिर मैं क्या तुमसे फ्री हो सकता हूँ, बताओ? मैं तुम्हारा ना सर फोड़ दूंगी। और तुमने मुझे फिर से तुम कहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन तुम भी तो मुझे तुम ही कह रही हो ना। मेरी बात और है, मैं तुम्हारी तरह छिछोरी नहीं हूँ और फ्री नहीं होती मैं। अरे यार ये लड़की तो बिल्कुल ही पागल है, यानी मैं पूरी दुनिया के सामने उनकी नजरों से बच बचा कर तुम्हारी आंखों जाग को ढूंढ रहा हूँ, और एक तुम मुझ पर चढ़ी जा रही हो, मेरी बाबत की कदर ही नहीं है, लड़कियां मरती है मुझ पर, तुम्हें पता है? अच्छा मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ। और सुनो एक और बात, अगर तुम्हारा वो चाय वाला बिजनेस करने का प्रोग्राम बन गया ना तो मुझे कॉल कर लेना, इसके अलावा मुझे रابطہ ना करना। एंथनी आ जाओ। अल्लाह जी आई प्रॉमिस आज के बाद चाय की लालच में कभी आगू जान को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्लीज आगू जान मिल जाए। आगू जान।
आंटी आंटी सुने 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 सॉरी सॉरी बेटा सॉरी अरे नहीं नहीं इट्स ओके आप ठीक हैं? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मेरी बच्ची कहीं खो गई तुमने उसे कहीं देखा है क्या कहाँ खो गई आपकी बच्ची बरखुरदार अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुमसे पूछती ही क्यों हाँ लेकिन ये तो पता होगा ना कहाँ गई है वो ये कहकर गई थी कि सामने से कुछ लेने के लिए जा रही है आपने इतनी छोटी बच्ची को अकेले जाने कैसे दिया हाँ है तो वो नन्नी छोटी सी मगर इतनी छोटी भी नहीं है काफी जहीन है मेरी तरह अब बस बातूनी बहुत है कहीं बातें करने जरूर बैठ गई हूँ पर जा चलो ये आंटी मुझे थोड़ी खिसकी हुई लगती है रीना yourself क्या कहा तुमने दोषीजा तुम्हें क्या लगता है कि मैं कानों में तेल डालकर बैठी हुई हूँ ऐसी कोई बात नहीं है मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे कुछ भी कह दोगी और मैं सुन लूंगी देखो अभी आगो जान के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरी मदद नहीं करनी ना सही रास्ता नापो आपका नाम आगो जान है आज तक तो सारे मेरे घर में मुझे यही कहते आए हैं आंटी घर का कोई एड्रेस कोई नंबर कुछ तो होगा मेरा घर बड़ा पुराना है बहुत खूबसूरत सा है पता है मैं शादी होकर उसी घर में गई थी उस वक्त तो वहाँ पर फोन भी नहीं था बाद में कम वक्त जब फोन लगने का वक्त आया तो मेरी नजर इतनी कमजोर हो गई कोई नंबर नजर ही नहीं आता मुझे वरना मैं इतनी जहीन थी कि सारे नंबर रट लेती और मेरी बच्ची बिल्कुल मेरे पर ही गई है बहुत जहीन है वो बच्ची का नाम तो याद होगा आपको उसका नाम बहुत प्यारा है खूबसूरत सा है वो है भी बहुत अच्छी मेरी गुड़िया मेरा इतना ख्याल रखती है ना मुझे गरारा दिलाने के लिए लाई थी कि फिर खो गई वाओ इनको तो कुछ भी नहीं याद है रीना बुजुर्ग है आंटी आप प्लीज अपनी बच्ची का नाम याद करने की कोशिश करें वरना इस तरह उसके मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है का बहुत अच्छी है वो अल्लाह की कसम उम्मीद पाशा पाशा तो घर पर है मेरे साथ तो उम्मीद आई थी आपकी बातों से पता चल गया था कि आपका उम्मीद से कोई ताल्लुक है और आप बिल्कुल सही कह रही थी वो पूरी की पूरी आप पर गई है और थोड़ी नहीं माशाल्लाह से बहुत बातें करती हैं तुम उसे जानते हो वो बहुत मशहूर है अरे जी जी आगो जान बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आप आइए मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ रीना तुम्हारा घर पहले आएगा हम तुम्हें ड्रॉप करेंगे और उसके बाद फिर मैं आगो जान को ड्रॉप करूंगा आठ ग्यारह हम बाद में चले जाएंगे हुँ? लेकिन मेरे जान मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं है अरे आगो जान मुझे आता है ना आपके घर का रास्ता सर जी चलो ध्यान से आई कहाँ रह गई थी आगो जाना ठीक तो है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं कौन सा बीमार थी भाई जरा सी शॉपिंग करने के लिए मैं मार्केट आराम से तमीज से बैठू मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई हुई थी तो अचानक मुझे ये प्यारा सा बच्चा मिल गया इतना अच्छा है ना अल्लाह की कसम लेकिन ये बोलता बहुत कम है सारे रास्ते मैं ही तो बातें करती हुई आई अगर उम्मीद होती तो बहुत मजा आता ले अभी भी उम्मीद ही के गुण गा रही हैं। बेटा अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अरे नहीं अंकल शुक्रिया कैसा एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मेरा फर्ज था है? फर्ज शनासी जिम्मेदारी इस सियारे के तो नहीं लगते भाई किस दुनिया के हो तुम अरे लाल पाशा इस दुनिया में भी अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं बस हमारे घर में ही बस थोड़ी सी किल्लत है इस चीज की
और उम्मीद ने तो इस दफा इंतहाई कर दी गैर जिम्मेदारी की, और आप लोगों ने ये बात छुपा कर मजीद गैर जिम्मेदारी का सबूत दे दिया। फिलहाल पाशा तुम्हें तो पता था, तुम्हें बता देना चाहिए था मुझे। पाशा साहब मुझे लगा वो वापस आ जाएगी, मतलब इतना कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था, तो मुझे तो बताना चाहिए था। नहीं मुझे इजाजत दे मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसे कैसे, अभी मेहमानदारी का मौका तो दो हमें। सॉरी अंकल मेरी एक मीटिंग है। मेरी एक और बुरी आदत ये भी है कि मैं वक्त का बेहद पाबंद हूँ। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। समीर यू लुक गौर से देखो कितनी अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं। जी मुझे तो उम्मीद की फिक्र हो रही है। एक बात कहूँ आप सब लोगों से, इतना लाड प्यार अच्छा नहीं होता। थोड़ी सख्ती करें उसके ऊपर, इस तरह का बचपना उसके भी आगे नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहा बच्चा, बिल्कुल। मैं भी एक ठीक बात कहूं फरजाद, आपको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इतना सीरियस रहना इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? अरे सीरियस है माशाल्लाह, तभी तो इतनी तरक्की कर गया है बेटा। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। सर सेम हियर। अब प्लीज बैठे बैठे सुनिए, तुम हमसे दोबारा मिलने तो आओगे ना शहजादे? जी जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। यशवंत नहीं कह रहा, आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने महज़ब लोग हैं ना आप, और एक उम्मीद है। खाम खाम यूं ही हंसते हैं हम घर के दिन तेरे हवाले कर के दिन तेरे हवाले। खैर अल्लाह हाफिज़ सर। शुक्रिया बेटा। थैंक यू। समीर जाओ भाई को छोड़ के आओ। थैंक यू। मेरी अब कहाँ रह गई थी? तुम अब 2 साल के नहीं रहे हो और मैं घर वापस आ चुकी हूँ, सीधे हो जाओ। मुझे नहीं पता कभी नहीं, अब आपने जाना। तेरे